ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे टू अक्स दे रखा है क्वेश्चन, अक्स स्क्वायर प्लस 1x टू 2x, और इसी का दूसरा फॉर्म देखेंगे, दोनों तरफ अपन अक्स से डिवाइड करेंगे, अक्स प्लस 1/x बराबर 2। जब अक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखे तो अक्स की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ऐसा क्यों? यही देख लीजिए, यहाँ से इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं, अक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -2x बन जाएगा, प्लस का बराबर 0। ये किसके बराबर है? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर, की वैल्यू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो एक्स माइनस 1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो एक्स किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। ठीक है, जब एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो 100% एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी। ये वाला फॉर्म देखिए, अपने को कभी कभी ऐसे पूछेगा, एक्स की पावर 50 प्लस एक्स की पावर 49 की वैल्यू क्या होगी? यदि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो एक्स की पावर 50 प्लस एक्स की पावर 49। तो ऐसा तो फॉर्मूला अपन ने देखा नहीं, लेकिन अपने को पता है कि एक्स प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है तो एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स की 1/50 क्या होगी? 1, और 1/49 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे 1 + 1 वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आ गई, पूछ क्या रहा है? एक्स माइनस 1/x, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, 1 - 1/1 क्या हो जाएगी? 1 - 1 वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर ए। ये एक्स प्लस 1/x को अपने नोट्स में उतारिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जो फॉर्मूले दे रखे हैं उन्हीं की वैल्यू पुट करनी है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर्मूले के रूप में? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 को दो पार्टों में तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। एक्स की पावर 4 - 16 को फर्दर दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है अपने को क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 4 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर -4 और एक्स स्क्वायर की पावर +4 हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर -4 फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है? एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर की पावर 2 + 4। यहाँ से एक्स स्क्वायर की पावर 4 से ये कैंसिल आउट, एक्स माइनस 2 से ये एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट, एक्स माइनस वाई से ये एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट, ये एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल आउट। बचा गया यहाँ पे, यहाँ पे बच गया एक तो एक्स प्लस 2, ये बच गया, ये यहाँ पे एक एक्स प्लस 2 ये बच गया, और एक ये वाली इक्वेशन बच गई। तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू फुट करनी है। 16, 5 की पावर 4 एक्स की वैल्यू, तो 5 की पावर 4 को दो भागों में रख देंगे, 25 - 25, ठीक है, प्लस 25 वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 -40 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2। अब देखिए, ऐसे मल्टीप्लाई करने का ही एक अलग तरीका है। अपन क्या करेंगे, 25 और 16 को दो अलग अलग पार्टों में तोड़ देते हैं, 4 × 4 25 × 4, और ये वाला 25 दूसरे 4 के साथ आ जाएगा, 25 × 4। कहने का मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए अपन रीअरेंज करेंगे बस, और कुछ नहीं करें। 25 × 4 100 हो जाएगा। यहाँ पे 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, और ये एक 0 है तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000, 1000 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। यहाँ भी 25 × 100
और ये 25 गुणा 4, 100, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगी वैल्यू। 10,000 में से 2,000 कम किए 8,000, और उसमें से 100 ऐड किए तो ओवरऑल वैल्यू 8100 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए रेशो बी की वैल्यू 2:7 दे रखी है, तो ए की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, बी की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। 3a+2b/5a-2b, ए की वैल्यू 2 पुट की तो 3 × 2 6, बी की वैल्यू 7 तो 7 × 2 14, नीचे का जाएगा 10 − 14, 20/-4। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x/5 = y/6 = z/11, के बराबर मान लें तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 के, और y बराबर क्या आ जाएगा 6 के, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 के। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 के, वाई की वैल्यू 6 के, जेड की वैल्यू 11 के, तीनों को जोड़ दो 5, 5, 6 और 11 के, जेड की वैल्यू कितने हैं 11 के, ये ऊपर क्या बन गया 22 के/11 के, कैसे के कैंसिल, 11 का 22 में भाग देंगे 2 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या करेंगे, अलजेब्रा में एक क्वेश्चन को रीअरेंज करना है और फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, उसी से वैल्यू आती है, तो यहाँ पे रीअरेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/(x+1), इनमें इस इक्वेशन में 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे, 1/(y+1) + 1/(z+1) - 3 + 3 - 3 जोड़ा और +3 जोड़ा तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेशन को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। 1/(x+1−1) + 1/(y+1−1) + 1/(z+1−1) + 3, यहाँ देखिए इन दो पदों में x+1 कॉमन ले लिया, तो x+1 का भाग दिया तो 1 बच जाएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ जाएगा 1। अब इस 1 के हर में अपन 1 मान ले, 1 का x+1 में भाग दिया x+1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ x+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू -x+1, ठीक है। ऐसा ही यहाँ हो जाएगा इन दो पदों में, ऐसा ही इन दो पदों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1y+1/y+1, इसमें क्या कॉमन लेंगे इन पद में z+1, ऊपर क्या हो जाएगा 1 − z+1 + 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x − 1, ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा -x/(x+1), यहाँ पे क्या बचेगा -y/(y+1) - z/(z+1) + 3, ठीक है। तो बचा क्या था, -x/(x+1) - y/(y+1) - z/(z+1) + 3। अब इस पद को ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x² ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे मल्टीप्लाई किया x को x से तो x² और x को 1 से तो क्या बन जाएगा x। ऐसा यहाँ करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा y² नीचे y² + y। इस वाले पद को ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई करेंगे, z² + z + 3। अब यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करेंगे x²y²z², यहाँ पे देखिए x² की वैल्यू क्या दे रखी है y+z, y² की z+x और z² की x+y, वैल्यू पुट कर देंगे -x²/(x² की वैल्यू क्या दे रखी है y+z + x − y²/(y² की वैल्यू क्या दे रखी है x+z + y, माइनस z²/(z² की वैल्यू क्या दे रखी है x+y, और ये लास्ट में क्या बचेगा z² की वैल्यू पुट की तो z+3।
यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड कॉमन आ गए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया, ऊपर माइनस कॉमन आ गया, बचा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई प्लस जेड और वाई स्क्वायर इक्वस टू एक्स प्लस जेड और जेड स्क्वायर इक्वस टू वाई प्लस जेड, इनको ऐड करो तो वैल्यू क्या बन रही है, बराबर 2x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आई। पुट कर दें यहाँ पे माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, तो माइनस 2 प्लस 3, तीन में से दो घटा देंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने नोट्स में जाना चाहिए, ये क्वेश्चन अपने नोट्स में जाना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक्स की पावर 3-1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए अपन को एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इधर दो ऐड कर देंगे, तो राइट हैंड साइड पर भी दो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 324। ये पता है किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है 324। अठहत्तर का स्क्वायर, दोनों साइड रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बचा 18। अब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस कर देते हैं, या माइनस 2 कम किया या पे माइनस 2 कर दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4 हो जाएगा। यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर पी है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, पी क्यूब प्लस 3p। कर दीजिए पी की वैल्यू क्या दे रखे, 4, 4 की बार 3 64 प्लस 3 × 4 12 कितना हो गया 76। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x की वैल्यू पूछ रहा है और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी। इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, पहले तो क्या करेंगे, पहला टाइप दे लेते हैं एक्स कॉमन ले लेंगे, ऊपर से एक्स कॉमन लिया तो क्या बच गए 3, नीचे से एक्स कॉमन लिया तो एक्स से डिवाइड कर देंगे 2x प्लस 2 अपॉन एक्स। यहाँ पे 5 में एक्स का माइनस 5x में एक्स का भाग दिया तो क्या बचा माइनस 5, तो इसको रीअरेंज करें 3 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 3 अपॉन 10 माइनस 5 बराबर 3/5। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू 5x। अपन ने क्या किया यहाँ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लिया तो नीचे क्या बचा एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू 5, एक्स राइट हैंड चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू 5x। ठीक है, ये अपन टाइप 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो 3x अपॉन 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है 5x, वैल्यू पुट कर दो 3x अपॉन 10x माइनस 5x, तो 3x अपॉन 5x हो जाए, एक्स एक्स कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 5। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।